तो कि ऋषभ, जैसा कि लोगों के मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अभी दुबई की मार्केट कैसी है इन टर्म्स ऑफ जॉब, बिजनेस और अपॉर्चुनिटी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? 500 दिनम से लेके कहीं तक भर भी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 15 मिलियन, आप जितना इन्वेस्ट चाहे उतना कर सकते हैं। कैसे मान लें कि 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहेगी? ओके, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज बहुत ही एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आज के वीडियो में आपको दुबई की सक्सेस स्टोरी, दुबई की अपडेट्स, इन सब से हटकर एक बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिलने वाली है। वो है दुबई में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। कैसे आप दुबई में जॉब करते हुए या अपना बिजनेस करते हुए साथ ही एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं बिना कुछ किए। सो हेलो ऋषभ, आप देखने वालों को बताओ कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? ओके, थैंक यू अनिल। सबसे पहले आपने मुझे एक मौका दिया कि आपके साथ आज वीडियो शूट करने का एक चांस मिला, तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने MBA किया हुआ है फिनेंस से और टॉप लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज और MNCs में मैंने, मेरा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंडिया से, जैसे जेनपैक्ट है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी, मैं बेसिकली सब लोग जानते होंगे। सो ऋषभ, थोड़ा देखने वालों के लिए आपकी कंपनी के बारे में और आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो दुबई की एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको आप आराम से UAE के जितने भी लोग रहते हैं उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, NGI मेरी कंपनी है, जिसमें मैं सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में और उनकी पर्सनल डीलिंग्स के बारे में, जो लोग कहाँ पे कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करें और कैसे वो अपने पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो उसके लिए मैं एडवाइस करता हूँ। और मेरे को उस कंपनी में 1 साल हो गया और मेरी कंपनी का जो रिटर्न है वो 12% मेरी कंपनी का पिछले 1 साल का ग्रोथ है, जो कि आपको पता है कितना पैंडेमिक टाइम चल रहा था उस टाइम पे भी मेरी कंपनी, हमारी कंपनी ने, NGI ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया 12% रिटर्न ऑफ के साथ। तो कि ऋषभ, जैसा कि लोगों के मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अभी दुबई की मार्केट कैसी है इन टर्म्स ऑफ जॉब, बिजनेस और अपॉर्चुनिटी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल अनिल जी, तो सबसे पहले ये हम लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम निकला है अभी पिछले अपना 1-1.5 साल, उसमें हर कंट्री और हर इंसान ने एक बहुत बुरा टाइम फेस किया है। लेकिन आपको पता है कि दुबई एक ऐसी कंट्री है जिसने इससे बहुत जल्दी ओवरकम किया है। अभी सबसे बड़ी चीज़, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुबई एक्सपो यहाँ पर रन कर रहा है, तो यहाँ का मार्केट से अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चांसेस, यहाँ पे जॉब्स के चांसेस, यहाँ पे अपने प्रोफाइल को ग्रो करने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मेरे ख्याल से ऑल ओवर वर्ल्ड आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे इतने चांसेस आपको नहीं मिलेंगे जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे चांसेस मिलेंगे। ओके ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। इस बात से जरूर देखने वालों को कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। थोड़ा आप बताएं कि मेन बात वीडियो की जो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे कोई भी जॉब वाला भाई या बिजनेसमैन या कोई भी कैसे इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर सकता है बिना कुछ किए? इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है कोई, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपका इंडिया हो, पाकिस्तान हो, UAE हो, कहीं पर भी हो, लेकिन इस पैंडमिक सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी के रेट्स ऐसे गिरे। लेकिन हमारे पास जो हमारी कंपनी ने एक प्लान लॉन्च किया इस सब को देखते हुए, वो ऐसा प्लान लॉन्च किया है कि जिसमें कोई एक छोटे से छोटी जॉब का आदमी जो सिर्फ 4-5 हज़ार दिरहम के यहाँ पे सैलरी पे होगा, वो भी 500 दिरहम से स्टार्ट करके और उसका एन नंबर ऑफ लिमिट है, कहीं तक भी इन्वेस्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट किया तो आपको 8-10 साल तक या आपको पोजिशन तक उसमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 मंथ अपना प्रॉफिट विड्रॉल करा सकते हैं, या आपने कोई इमरजेंसी पड़ गई तो आप उसको प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। ओके ऋषभ, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो अब आप देखने लोगों को बताओ कि आपकी कंपनी के थ्रू क्या क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, तो अनिल जी मैं अभी आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, हमारी कंपनी जो आपको एक नए प्लान इन्होंने लॉन्च किए हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लान हैं, उस इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या है कि आप एक छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और ये हमारी कंपनी जो इन्वेस्ट करती है आपका पैसा, ये आपको कोई कवरेज या कोई आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं दे रही है कि जिससे आप लोग अपने आप को समझे कि मैंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया। लोग बाग सोचते हैं कि हमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, हमको ज़्यादा रिटर्न लेना है, उसके लिए हमारी कंपनी के अंदर फंड्स मैनेजर बैठते हैं जिनको हमारी कंपनी ने वर्ल्ड से रिक्रूट किया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है वो वर्ल्ड वाइड करती है। अब मैं आता हूँ आपको कैसे इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। NGI आपके पैसों को इन्वेस्ट करती है कुछ फंड्स में, जैसे कुछ फंड्स हैं एक्सा, फ्रेडलिटी, फ्रैंकलिन, आपका गल्फ,
जो कि यूएई गवर्नमेंट्स के थ्रू अप्रूव्ड भी हैं, और ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो रेगुलरली ग्रो करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम आपका पैसा इन्वेस्ट कराते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि हम आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन फंड्स में इन्वेस्ट होगा। अब आप पूछेंगे अनिल जी और आपके लोगों का, आप सब दोस्तों का सवाल होगा कि आपको उसमें रिटर्न कैसे पता चलेगा। आपको हम वो प्रॉपर आपको लॉगिन आईडी मिलेगी, वो फंड्स मैनेजर हमारे उसको टारगेट करके रखते हैं कि कैसे आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ से आपको किस उसको फंड में मूव करना है, किस फंड में कैसे मूव करना है। तो ओवरऑल जो इसका एक मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो NGI आपसे पैसा लेती है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पैसा आपका पूरा ओवरऑल उठा करके NGI के जो फंड्स मैनेजर है वो वर्ल्ड वाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जो कि ग्रोइंग फंड्स है इसमें, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हमारे UAE के जितनी गवर्नमेंट हैं, जितने शेक्स हैं, वो सब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो उसी हिसाब से ये लोग आपका ग्रोइंग रिटर्न, जितना आपका रिटर्न है वो आपको टाइमली पे करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इसको आप खुद से मॉनिटर कर सकते हैं, आप खुद से देख सकते हैं, ये कोई डाउन बैलेंस जाने की कोई चीज़ नहीं है। और बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं ऑनलाइन वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। ओके ऋषभ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन जो आपने बताई है। उम्मीद करता हूँ कि लोगों के काम आएगी और इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप कुछ सवाल रहेंगे आपसे पूछने के लिए, सबसे पहले बताओ कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है और कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ओके अनिल जी, तो इसमें लिमिट आपकी कुछ भी नहीं है, आप 500 दिरहम से लेके कहीं तक भर भी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 15 मिलियन, आप जितना इन्वेस्ट चाहे उतना कर सकते हैं। एक लेबर क्लास से लेके जो 1200-1500 दिरहम कमाता है, उससे लेके आप अपना कोई बिजनेसमैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई VP है, कोई AVP है, वो हर कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और जैसे कोई बिजनेसमैन है या हाउसवाइफ है जो जिनके पास कुछ पैसा है वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बिल्कुल सिक्योर मनी है, इसको आप कहे कैसे भी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे बैंक में डालते हैं ऐसे ही आप सेम NGI में डाल सकते हैं। जी, और आप थोड़ा बताएं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहता है। ओके, मोड ऑफ पेमेंट में आते हैं तो इसमें चेक, DD आपका, इसमें कैश, हर आप जितना जैसा भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है, आप उसको क्रेडिट कार्ड, आप कैसे भी इसको पे कर सकते हैं। ओके वेरी गुड, आप थोड़ा बताएं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओके, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, आपकी एमिरेट्स ID हो गई, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका वीजा हो गया, ये कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। ओके थैंक यू वेरी मच। अब एक और मैं पूछना चाहूंगा बात की इसमें प्रोसेस जो है पूरी डीलिंग जो है वो कहाँ पर की जाएगी। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। सो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होगी, जो आपका पूरा का पूरा जो आपको प्लान समझाया जाएगा, जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये आपका NGI के हेडक्वार्टर्स बुर्ज मद में होगी। और हमारा जो बेसिक हेडक्वार्टर एक और है देरा सिटी सेंटर, वहाँ पर भी आप जाके कर सकते हैं। फिर भी मैं व्यूअर्स की तरफ से एक बार पूछना चाहूँगा कि कैसे मान लें कि 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहेगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इसमें अगर आपको 100% सिक्योरिटी चाहिए, ये एक तो 40 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, और सबसे बड़ी चीज़ UAE गवर्नमेंट का सीधा सीधा हाथ इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई फ्रॉड या कोई भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप हमारे हेड ऑफिस में आएंगे, आप डायरेक्ट फंड मैनेजर से डील कर सकते हैं, आप अपने फंड्स खुद चूज़ कर सकते हैं अगर आपको फंड्स की नॉलेज है, अदरवाइज हमारे फंड्स मैनेजर आपको सब कुछ डीलिंग बताएंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो ऋषभ भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है, अपॉर्चुनिटी बताई है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आप लोगों के काम आएगी। और अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप कोई वर्कर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, और या फिर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको और डिटेल मिल जाएंगी। वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो दुबई में है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।